मैं विजय कुमार दिवाकर सन्स न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम है। यहां देश की संसद से लेकर सभी देशों के दूतावास सब हैं और दिल्ली में पूरे देश से लोग अपने निजी और सरकारी कामों के लिए आते हैं और आकर रुकते हैं किसी न किसी होटल में। और दिल्ली का होटलों का हब है पहाड़गंज। पहाड़गंज दिल्ली के बीच में और यहाँ टूरिस्टों की संख्या अधिक होने से घर भी होटलों में तब्दील हो गए हैं। यहाँ होटलों का पूरा हब बन गया है। अब इन होटलों में लोग तो आकर रुकते हैं पर इन होटलों का खुलासा देखकर आप सन्न रह जाएंगे। सनसनी ऑफ इंडिया इन होटलों की असलियत जानने निकला तो हैरान कर देने वाला वो सच सामने आया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देश की सुरक्षा के लिहाज से होटल बिल्कुल संजीदा नहीं है। इस खुलासे में होटल ही नहीं होटल से लेकर पुलिस प्रशासन तक की पोल खुलती नजर आएगी आपको। इन होटलों की असलियत जानने सनसनी ऑफ इंडिया की टीम जस्ट डायल पर मसाज पार्लर पहाड़गंज और पहाड़गंज में जगह जगह पर पब्लिक बाथरूम खंबे टेलीफोन बक्सों पर चिपके मसाज पार्लर के पर्चों पर दिए गए नंबरों के जरिए पहुंची तो सब हैरान। सनसनी ऑफ इंडिया की टीम एक जगह नहीं बल्कि कई होटलों में गई। वहां के हालात तो और भी हैरान कर देने वाले थे। यदि इन होटलों को देखें तो जीबी रोड से भी बड़ा सेक्स का कारोबार ये होटल कर रहे हैं। हमारी टीम पहाड़गंज के कई बड़े छोटे होटलों में गई और ग्राहक बनकर सब जांचा तो हमारी टीम भी हैरान। इन होटलों में चल रहा है देह व्यापार का बड़ा धंधा। सभी तो नहीं पर जितने होटलों में असलियत हमारी न्यूज टीम ने जाननी चाहिए वहां उन्हें मिला जिस्म फिरोसी का धंधा। सबसे पहले हमारी टीम पहाड़गंज के आकाश प्लाजा होटल में गई। वैसे तो ये होटल है पर होटलों में कई तरह की दुकानदारी चल रही है। यहाँ होटल में ही रेल और हवाई जहाज टिकट तक बुकिंग करने की सुविधा है। बकायदा बोर्ड तक इस सुविधा के लिए लगाए हैं। मतलब टिकट बुक कराने वालों को यहाँ के दूसरे धंधों की भी जानकारी दी जाती है जिससे अधिक से अधिक ग्राहक मिल सके। यहाँ हमारे रिपोर्टर ने दलाल का सहारा लिया जो अक्सर इन होटलों के आसपास मिलते हैं।
हमारे रिपोर्टर ने इस होटल में एंट्री की और जब आईडी मांगी तो रिपोर्टर ने आईडी ना होने की बात कही तो दलाल ने कहा कोई बात नहीं और दलाल का इशारा तुरंत होटल का कर्मचारी समझ गया और बिना आईडी के ही अंदर हमारे रिपोर्टर ने एंट्री कर ली। अंदर देखिए, छोटे छोटे कमरे जिन्हें आप डेली यूज के लिए भी शायद पसंद ना करें। कमरे रहने के लिहाज से बहुत ही छोटे हैं। कमरों में जगह जगह गंदगी थी, लग रहा था जैसे यहाँ कमरे मात्र मौज मस्ती के लिए ही बने हैं। होटल की आड़ में यहाँ मिल रही है सेक्स के लिए लड़कियां। हमारे रिपोर्टर ने पूरी सच्चाई देखिए कैसे कैमरे में शूट की और दुनिया के सामने ये सच लाई कि इन होटलों में क्या हो रहा है। बड़ों की छोड़िए, कॉलेजों के स्कूलों के लड़के लड़कियां तक यहां आकर रुकते हैं। और कुछ घंटे इन जैसे होटलों के कमरों में बिताते हैं। तीन से पांच हजार रुपए देने के बाद किसी आईडी की जरूरत नहीं, कोई पहचान का खुलासा होने का तनिक भी डर नहीं। अब कमरे का हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। आप खुद देखिए कि एक कमरे में चार से पांच तक लड़कियां रखी गई हैं। जी हां, ये कमरा जीबी रोड के कोठे का नहीं बल्कि पहाड़गंज के होटल आकाश प्लाजा का है। देखिए, पहाड़गंज के इस आकाश प्लाजा होटल में एक कमरे में पांच से भी ज्यादा लड़कियां। कैसे कोई परिवार के साथ इस होटल में रुक सकता है? साफ है कि होटल की आड़ में असली धंधा यहां भी सेक्स का कारोबार है। यहां देखिए लड़कियां कैसे तैयार भी हो जाती हैं। आप देख रहे हैं सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद पहाड़गंज होटलों का सच। आगे भी बहुत कुछ कैद है सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में, कहीं मत जाइएगा। हम बस लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सनसनी ऑफ इंडिया का जिंदगी सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में
हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सनसनी ऑफ इंडिया में। पहाड़गंज के यह एक होटल का आलम नहीं है, हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुए हैं पहाड़गंज के कई होटल जिनका खुलासा भी जल्द किया जाएगा। अब हमारा रिपोर्टर एक होटल से दूसरे कारोबार पर उंगली ना उठे ये जांचने के लिए दूसरे होटल में आता है। देखिए यहां भी दलालों की भरमार है। और किसी भी आईडी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं। फिर तीसरे होटल इंजॉय में जाकर जानना चाहा तो यहां भी हालत पहले के दो होटलों से मिलती जुलती ही मिली। होटल हब पहाड़गंज के होटलों की असलियत। अभी आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा के लिहाज से ये होटल कितने खरे हैं। पहाड़गंज में विदेशी टूरिस्ट भी काफी मात्रा में आते हैं। बाहर से आने वाले टूरिस्ट चाहे घरेलू हो या विदेशी, वे अधिकतर इन्हीं होटलों में आकर रुकते हैं। पर यहां होटलों में रुकना कितना सेफ है इसकी पोल भी ये होटल खोल रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि कैसे दलालों की भरमार है। दलाल को आपने 1,000 रुपए दिए तो आपको आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं। बिना आईडी प्रूफ के आप होटल में रुक सकते हैं। ये देखिए ये पहाड़गंज का होटल आकाश प्लाजा है। आकाश प्लाजा होटल में दलाल के जरिए हमारा रिपोर्टर जाता है। और कुछ पैसे दलाल को दिए तो बिना आईडी प्रूफ के ही होटल कर्मचारी की मिली भगत से होटल में एंट्री हो जाती है। अब देखिए बिना आईडी के इन होटलों में एंट्री हो रही है। पहाड़गंज के होटलों में टिकट बुकिंग और रूम बुकिंग तो मात्र दिखावा है, असल में कुछ होटलों में टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग की आड़ में चल रहा है देह व्यापार का धंधा जो कि सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुआ है। यहाँ होटल ही नहीं पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ होटलों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने होटलों में रजिस्टर शुरू किए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट होटलों के रजिस्टरों को चेक करता है, पर विभाग क्या चेक करता है?
इसकी पोल ये दलालों के जरिए बिना आईडी की एंट्री खोल रही है। जहां बिना आईडी प्रूफ के आराम से एंट्री हो तो लगता है जैसे दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट रजिस्टर चेक करने के नाम पर मात्र खाना पूर्ति ही कर रहा है। साथ ही इस मामले में पहाड़गंज थाना पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। जो इन होटलों को चेक करती है, कमरों और ग्राहकों की गिनती करती है, सीसीटीवी चेक करती है, पर यहां पुलिस को ना तो एक एक कमरे में पांच पांच लड़कियां दिखाई देती हैं और ना ही वो ग्राहक दिखाई देते हैं जो बिना आईडी प्रूफ के यहां एंट्री कर लेते हैं। ऐसे तो इन दलालों के जरिए कोई भी आतंकवादी आराम से इन होटलों में रुक सकता है और उन आतंकवादियों का कोई भी प्रूफ इन होटलों के पास नहीं होगा, जो सेफ्टी के लिहाज से बेहद खतरनाक है। अब पुलिस भी आंख और कान दोनों बंद करके सोई है, शायद हादसे के बाद जागने का इंतजार है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पुलिस जानबूझकर सोई है? इस धंधे में पुलिस, दलाल और होटल मालिक सब मिलकर सुरक्षा को ताक पर रखकर अपनी काली कमाई करने में जुटे हैं। हमारा मकसद पहाड़गंज के सभी होटलों को बदनाम करना नहीं है। हो सकता है कुछ होटल मापदंडों में खड़े हों, पर जिन होटलों में हमारा रिपोर्टर गया वहां सभी जगह ये घिनौना खेल देखकर एक चिंता का विषय जरूर खड़ा होता है, जिस पर प्रशासन वक्त रहते ध्यान दे तो बेहद अच्छा होगा। हमने आपको दिखाया कैसे सेफ्टी के लिहाज से यहाँ प्रशासन फेल है, साथ ही कैसे पहाड़गंज के होटल हब जीवी रोड से भी बड़ा सेक्स का अड्डा बनता जा रहा है। जरूरत है वक्त रहते प्रशासन इस पर काबू पाए, वरना इस कारोबार को धीरे धीरे पहाड़गंज से दिल्ली के दूसरे होटलों तक पहुंचने में कोई देरी नहीं लगेगी। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरठ के कंकड़ थाना इलाके के सुभाषपुरी में 2 दिन पूर्व रिटायर बिजली कर्मचारी की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से लूट की रकम के 45,000 रुपए और घटना में इस्तेमाल चाकू को भी इस्तेमाल कर लिया है।
घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि त्रिलोक कौर की हत्या लूट के इरादे से हुई है। पुलिस ने आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली है। मेरठ से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए काजल गुप्ता की रिपोर्ट। पहले एक त्रिलोक कौर नाम की महिला रहती है, अपने अपने बच्चे एक बेटा और बहू के साथ रहती थी। सुबह लगभग 7:45 उनकी हत्या कर दी गई थी चाकू मार करके, गले में चाकू का निशान था। आज उसके कंकरखड़ा पुलिस ने उसका मेन अभियुक्त संदीप उर्फ जोली त्यागी था, कंकरखड़ा रहने वाला था, जो उसका पप्पी का दोस्त था, उसको पकड़ा था हम लोगों ने। कानपुर के एक निजी नर्सिंग होम में परिजनों ने एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर पैसा बनाने के लिए मरे हुए मरीज का इलाज कर रहे हैं, लेकिन जब सीएमओ ने जब इसकी जांच करवाई तब पता चला मरीज जिंदा है, लेकिन परिजनों ने डॉक्टर की एक ना सुनी और पिटाई कर दी। वहीं पिटाई करने के बाद परिजन मौके से फरार हो गए। गुस्साए डॉक्टरों ने इसकी लिखित में पुलिस शिकायत की और ऐलान किया कि अगर आरोपी पकड़े नहीं गए तो पूरे शहर में डॉक्टर हड़ताल कर देंगे। कानपुर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए मोनिका की रिपोर्ट। पिछली 4 तारीख से आईसीयू में एडमिट है, मिसेज ज्ञानशीला मिश्रा करके, सीरियस कंडीशन में एडमिट है। उसको पेट का इन्फेक्शन भी है, गुर्दे का फेल्योर भी है, लीवर का फेल्योर भी है और पेशेंट 4-5 दिन से वेंटिलेटर पे है। उसके अटेंडेंट हम लोगों से 2 दिन से ये कह रहे हैं कि ये पेशेंट मरा हुआ है, आप लोग उसको मरे हुए मरीज का इलाज कर रहे हैं। मेरे कमरे में पहुँचते ही उसके 2 अटेंडेंट ने मेरा गर्दन पकड़ लिया और ये कहने लगे कि यही कल्प्रिट है, इसको मार। यूपी के मऊ जिले में लगता है कानून राज खत्म हो गया है और जंगल राज शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक चोर को चोरी करते समय पब्लिक ने पकड़कर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं दूसरे मामले में एक चोर को पब्लिक ने 5,000 रुपए चोरी करते समय पकड़ लिया और जमकर चोर की धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। मऊ से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए काजल गुप्ता की रिपोर्ट। मामला ये खैराबाद क्षेत्र में आया है, उसमें उनका मुकदमा गाड़ी चोरी का पंजीकृत कर लिया गया है और स्वरूप नगर क्षेत्र में थाना स्वरूप नगर को ये बताया गया है कि इसकी विधिवत विवेचना कर इसमें जो भी दोषी हों उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। बस्ती के गंज में 8 अक्टूबर को हुई हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बस्ती से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए दिनेश राय की रिपोर्ट। नीचे लेकर चले गए, हम भी साथ में उनके पीछे पीछे गए नीचे, डंडे से और चाकू से उनको मारा और मारने के बाद लेके उनको सामान निकाल, धर्मेंद्र के जो सामान था, चैन था, मोबाइल था और पैसे थे प्रेस में, वो सब निकाल। डॉक्टर जोजे की पत्नी है, इसकी पुत्री से मृतक का अवैध संबंध किया था, वो भी मना करती थी लेकिन ये मानता नहीं था। इससे उन्होंने इसको जो है लालच दे करके, चूँकि मृतक से इसका बचपन से घरेलू संबंध था और उसी के कहने पर इतना इसको विश्वास था कि ये बचपन से हमारा साथी है और वो जान गई थी कि इसके कहने पे वो कहीं भी जा सकता है, तो एक्यूज्ड के कथनानुसार जो है कि वो इन्होंने लालच दिया वो लेकर के एक योजना के तहत रात में 11 बजे लेकर के उस पुल पर गया। यूपी के सहारनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक ऐसे युवक को दबोचा है जो खुद को हरियाणा विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बताकर लोगों से ठगी करता था। इतना ही नहीं, पुलिस को उसके पास से लाल बत्ती लगी एक लग्जरी कार और 7 फर्जी नियुक्ति पत्र भी बरामद हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में निकल कर आया है कि पकड़ा गया आरोपी विकास प्राधिकरण के नाम पर करोड़ों की ठगी कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए भावना मिश्रा की रिपोर्ट। जगाधरी हरियाणा निवासी एक जालसाज को पकड़ा गया है जो एक चारपहिया वाहन में यात्रा कर रहा था और लाल बत्ती लगी थी और राष्ट्रीय झंडा भी लगा था और चेयरमैन का बोर्ड लगा हुआ था। पहले पुलिस पार्टी पर इसने बताया कि वो हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन है, धौंस मारा, पुलिस इसके धौंस में नहीं आई और क्वेरी की, हाव भाव से लगा कि फर्जी हो सकता है।
पानीपत के असंध रोड स्थित हरिबाग कॉलोनी में गणपति ज्वेलर्स की दुकान पर दो महिलाएं व एक युवक खरीदारी करने आए और खरीदारी करते समय ज्वेलर्स की दुकान से कान में पहनने वाली सोने की बाली चुरा ली। जब दुकानदार को डिब्बे में सामान कम मिला तो उसने इस बात का विरोध किया और उनकी आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी देखकर आसपास के दुकानदार भी मौके पर पहुंच गए। मामला बढ़ता देख दुकानदार ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं व युवक को अपने कब्जे में ले लिया व आगे की कार्रवाई की जाँच शुरू कर दी। पानीपत से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए जीतू की रिपोर्ट। करनाल बस स्टैंड पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की सीट मांगने को लेकर बस कंडक्टर से बहस हो गई। बहस मारपीट में बदल गई। मारपीट में पुलिस कर्मचारी को काफी चोट लगी है। घायल पुलिस कर्मचारी ने बताया कि सीट मांगने पर उसके साथ कंडक्टर और 3-4 साथियों ने मारपीट की है, जबकि कंडक्टर का कहना है कि पुलिस कर्मचारी वर्दी का रोब दिखाकर जबरन महिला सीट मांग रहा था, जिसे मना करने पर उसके साथ पुलिस कर्मचारी ने मारपीट की। करनाल से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए संगीता गुप्ता की रिपोर्ट। करनाल पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय लूट गैंग का भंडाफोड़। हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर करनाल पुलिस के CIA एक शाखा ने दर्ज की अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी। पांच आरोपी गिरफ्तार, लूट की 23 वारदात को कबूला, 2 देसी पिस्तौल और टवेरा गाड़ी की बरामद। करनाल पुलिस की गिरफ्त में ये 5 लुटेरे जो आप देख रहे हैं वे छोटे मोटे लुटेरे नहीं, बल्कि पंजाब और हरियाणा में 2 दर्जन से ज्यादा चोरी व लूट की वारदातें करने वाले गिरोह के सदस्य हैं। जी हां, ये हैं हाईवे के लुटेरे। दरअसल नेशनल हाईवे पर ये लुटेरे पिछले 2 साल से सक्रिय थे। वाहन चालकों से लिफ्ट लेकर पहले उनसे पैसे लूटते थे वे कीमती सामान, उसके बाद पिस्तौल की नोक पर वाहन चालक के ATM से भी पैसे निकलवाते थे और फरार हो जाते हैं। हरियाणा सहित आसपास के राज्यों की पुलिस की नाक में इन लुटेरों ने दम कर रखा था। आज करनाल SP पंकज नैन ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस मामले का खुलासा किया। इस गिरोह में एक लुटेरा तो पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, वहीं बाकी के 4 लुटेरों पर भी दर्जनों मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। 23 वारदातों को इन लुटेरों ने अब तक कबूला है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और इन्हें आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी ताकि और वारदातों का खुलासा हो सके। ये एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है और इसने अभी तक की जो हमारी पूछताछ निकली है उसमें 23 ऐसी वारदातों को कबूल किया है और पिछली कई सालों में करनाल पुलिस के हिस्ट्री में एक इतना बड़े गैंग को हमने गिरफ्तार किया है। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है हमारी CIA1 की टीम की। पत्रकारों से बात करते हुए SP पंकज नैन ने बताया कि गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पिछले दिनों ITI चौक पर लोगों को लिफ्ट देने के बहाने उन्हें गाड़ी में बिठाया तथा उनकी जेबों से जितनी नकदी थी सब लूट ली और उसके बाद बंदूक की नोक पर पीड़ितों के ATM कार्ड से जितना पैसा निकल सकता था निकलवा लिया और उन्हें रास्ते में फेंक दिया। इस खुलासे में मुख्य बात यह है कि जिस गाड़ी पर आरोपी लोगों को लिफ्ट देते थे वो गाड़ी भी चोरी की होती थी तथा उस पर असली की जगह नकली नंबर प्लेट भी लगाई जाती थी, जिससे वो पुलिस की पकड़ में ना आ सके। SP पंकज नैन ने बताया कि ये सभी आरोपी पहले से ही नामी मुजरिम हैं तथा सभी पर पंजाब और हरियाणा में कई मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गगन निवासी लुधियाना, हरविंदर उर्फ हैप्पी निवासी मोहाली, श्रीपाल निवासी सरहिंद, आनंद उर्फ गोल्डे निवासी मोहाली तथा गुड्डू कश्यप निवासी संबल हालिया पता जीरकपुर के रूप में की गई है। इनमें गगन पर करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं तथा वह पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में वो मोस्ट वांटेड अपराधी है। साथ ही अरविंदर पर हत्या सहित कई मामले पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों से 2 देसी पिस्तौल, 2 लाठी डंडे, इस्तेमाल की गई चोरी की गाड़ी व फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। अगर आपके आसपास हो रहा है कोई गैर कानूनी काम या आपको है किसी वारदात की जानकारी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854647
21 पर दे सकते हैं। मैं जल्द लौटूंगा एक नए खुलासे के साथ। देखते रहिए सनसनी ऑफ इंडिया।